अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर, जहां विवान की मौत के बाद गम का माहौल है। गायत्री के फ्यूचर को लेकर रमा दादी काफी टेंशन में हैं। ऐसे में कार्तिक के समर चाचू उम्मीद की रोशनी लेकर गायत्री की जिंदगी में आए हैं। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में दुख ने एक बार फिर नारा के मायके का दरवाजा खटखटा दिया है। एक हफ्ते के अंदर ही गायू की शादी होने वाली थी, लेकिन एक सड़क हादसे में विवान की मौत हो गई और अब घर वालों के सामने ये सवाल है कि गायत्री का क्या होगा। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि गायत्री शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी है, लेकिन विवान की मौत ने गायत्री और उसके होने वाली बेबी के भविष्य पर भी सवाल या निशान लगा दिया है। शॉकिंग बात यह है कि जब से रमा दादी को गायत्री की प्रेगनेंसी की न्यूज मिली है, तब से वो इस बदनामी से बचने के लिए गायत्री का अबॉर्शन करवाने की जिद पर अड़ गई हैं। लेकिन इस बात के सख्त खिलाफ है नायरा। तभी तो देखिए ना, नायरा अपनी गायुदी को दे रही हैं सांत्वना। हमारे लिए आपकी खुशी से बेहतर और कुछ नहीं है गाइस, ना कोई रिश्ता और ना ही कोई और चीज़। अब आप बताएं, आप क्या चाहते हैं गाइस? अब सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोचो, कोई प्रॉब्लम या कोई सलूशन किसी और चीज़ के बारे में नहीं। क्यों नहीं, हमारा नाम मानने से चीज़ें बदलने जाती है नायरा। बिना शादी के इस बच्चे का अलग प्रॉब्लम है और हमेशा प्रॉब्लम रहेगा। इसका इसका एक ही तरीका है, अबॉर्शन। आपको बता दें कि इस मुश्किल की घड़ी में समर्थ ने गायत्री को सहारा देने का फैसला किया है और कहीं ना कहीं रमा दादी भी यही चाहती हैं। लेकिन नायरा गायत्री की सिचुएशन का सच सबसे पहले कार्तिक की दादी को बता देना चाहती हैं। मैं कुछ भी खराब नहीं करना चाहती, इसीलिए कह रही हूँ हमें पहले सबको सब बता देना चाहिए, ताकि बाद में कोई हमें स्पेशली गाली देकर कोई ब्लेम ना कर सके। कौन ब्लेम? हमने किसी ने जबरदस्ती नहीं समझ खुद गाय का हाथ कर और वो सब कुछ जानते हैं। वो कोई बच्चा नहीं है जो इतना बड़ा फैसला बिना सोचे समझे ले। मेरी घर की लाइफ और मुश्किल मत बना। गाय की किस्मत नीचे होगा भाई, वो आपके हमारे कुछ करने से चेंज नहीं, लेकिन हमें अपनी तरफ से किसी को अंधेरे में नहीं। दादी को बता दें। और देखिए ना, दादी को भी कहीं ना कहीं ऐसा एहसास हो रहा था कि कार्तिक नायरा कुछ छुपा रहे हैं। खैर, सारे हालातों को देखते हुए दादी गायू और समर्थ की शादी सारे रीति रिवाजों से करने के लिए मन बना लेती हैं। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम सब बड़ी जल्दी में हो? क्या कोई कहीं भागे जा रहा है या फिर हमसे कुछ छुपाया जा रहा है? नहीं नहीं ताई जी, हम भी कुछ छुपाएंगे। तो ये सोच रहे थे कि टाइम कम है तो इतनी सारी अरेंजमेंट कैसे होंगे। उसकी चिंता तुम मत करो, कल हम जब शगुन की चुन्नी उड़ाने जाएंगे तो सलाह मशवरा करेंगे सबसे और फिर बताएंगे शादी एक हफ्ते के बाद होगी या एक महीने के बाद होगी, पूरे रस्म और रिवाज के साथ और अच्छे से। वहीं दूसरी ओर रस्मों की तैयारी करते हुए नायरा गायुदी के लिए सुहाग की चुनरी भी तैयार कर रही है, जहां नायरा के आंखों में आंसू हैं और कार्तिक से अपने दिल का हाल बता रही है। लेकिन हालातों से मजबूर नायरा इस मुश्किल की घड़ी में कुछ भी कर नहीं सकती है। अब देखना ये होगा कि गायत्री और समर्थ की शादी से शो में कौन सा नया मोड़ आएगा और क्या गायत्री इस शादी के बाद खुश रह पाएगी। शो में काफी इंटरेस्टिंग ट्रैक आने वाला है, जिसकी पल पल की अपडेट यूमी और टीवी आपको देता रहेगा। मुंबई से जारा खान की रिपोर्ट, E24।